दोस्तों आज हम फार्म ट्रक 35 ट्रैक्टर के बारे में बताने वाले हैं। देखते हैं कंपनी ने पुराने से अभी नए 2023 में क्या क्या बदलाव किए हैं, देखते हैं। जो कि कुछ बदलाव 3-4 किए हैं वो आपको अभी दिखेगा पुराने ट्रैक्टर से और नए ट्रैक्टर में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाइयों ये ट्रैक्टर आपको फार्म ट्रैक ऑलराउंडर के नाम से यह ट्रैक्टर आपको मिलेगा। ऑलराउंडर मतलब खेती में भी अच्छा और ट्रॉली के मामले में भी अच्छा यह ट्रैक्टर आपको मिलेगा। वैल्यू बैक्स के साथ, लोगों के साथ चैंपियन, जो कि नाम है ट्रैक्टर का फार्म ट्रैक ऑलराउंडर चैंपियन के नाम से। या भाइयों 35 से 48 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बात करें अगर HP की तो आपको तो भी बताया मैंने 35 से 38 HP का ट्रैक्टर आपको मिलेगा। वही इसकी क्यूबिक कैपेसिटी मतलब CC की बात करें इस ट्रैक्टर की तो 2349 इसकी CC आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अधिक है 35 HP के ट्रैक्टर में। वही अगर नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो यह ट्रैक्टर आपको 3 सिलेंडर में देखने को मिलेगा। वही अगर इसके पंप की बात करें तो इसमें भाइयों अभी बॉस का इनलाइन पंप अभी आ रहा है, मतलब ये ट्रैक्टर पंप में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पंप वही है सादा पंप जिसे बोलते हैं। भाइयों इस ट्रैक्टर के अगर इंजन रेटेड RPM की बात करें तो 2000 इसका रेटेड RPM आपको मिलेगा, रेटेड RPM जिसको बात करते हैं। अब आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हम देखते हैं इसका बम्पर या कंपनी फिटेड आपको बम्पर मिलेगा, जो वो आगे की तरफ हुक के साथ में या ट्रैक्टर आपको मिलेगा। हुक लगा जो कि खिंचाव के लिए एक्सल में ना जोड़ के आगे हुक में आप जोड़ सकते हैं। वही अगर इसके एक्सल की बात करें हम तो इसका एक्सल आपको देख सकते हैं नॉन एडजस्टेबल, मतलब एडजस्ट फिक्स एक्सल आपको देखने को मिलेगा। भाइयों ये ट्रैक्टर आपको पावर स्टीयरिंग में भी मिलेगा और मैकेनिकल स्टीयरिंग में भी देखने को मिलेगा। तो यह ट्रैक्टर आपको पावर स्टीयरिंग में खड़ा है अभी, तो आप यह पावर स्टीयरिंग में है। वही अगले टायर की बात करें तो 616 आप देख सकते हैं, अगला टायर इसका 616 नॉर्मल ही वही है सेम। पिछला टायर आपको 13628 जो कि 35 HP के ट्रैक्टर में ये बेस्ट टायर माने जाते हैं। पिछले टायर में कोई भी वेट नहीं लगा हुआ मिलेगा, सिंपल रिम के साथ में यह ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। आगे की तरफ आपको इसमें हैलोजन जो लाइट रहेगी आगे वाली फ्रंट लाइट इस टाइप से देखने को मिलेंगी, जो कि बाहर की तरफ लगी हुई है। ट्रैक्टर के जस्ट आगे एक जाली लगी हुई है जो इंजन के कूलिंग को मेंटेन रखती है, मेंटेन करने में काफ़ी मदद करती है। यह धूल और कचड़े को आगे की तरफ ही रोक लेता है और कूलिंग के लिए काफ़ी अच्छा मेंटेन रखता है। इसका अगला बोनट कुछ इस टाइप से खुलेगा, आप देख सकते हैं ये बोनट खोलने का लॉक है। ये आगे का तरफ खुला है, दो पार्टों में आपको बोनट खुला मिलेगा, एक इस टाइप से एक आगे की तरफ आपको, या कुछ थोड़ा अलग है, अगला पार्ट अलग से खुलेगा, पिछला पार्ट बीच वाला आपको अलग टाइप से खुलेगा। भाइयों इसमें या कूलेंट का बॉक्स आगे की तरफ रखा हुआ मिलेगा जस्ट रेडिएटर के पास में, या कूलिंग सिस्टम में या वाटर कूल्ड इंजन आपको मिलेगा जिसको कूलिंग करने के लिए ये कूलेंट आपको बॉक्स ये रखा हुआ है। इंजन की चौड़ाई आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं और एयर क्लीनर की बात करें तो इसमें ऑयल बाथ टाइप वाला एयर क्लीनर जस्ट आगे रेडिएटर के आपको रखा हुआ मिलेगा, आप देख सकते हैं। फ्यूल को अच्छा करने के लिए इसमें वाटर सेपरेटर का लगा दिया गया जो कि फ्यूल अच्छी क्वालिटी का पंप में सप्लाई करता है, जिससे कि पंप की लाइफ टाइम बनी रहे। वहीं अब इसका हम प्लेटफॉर्म देखते हैं तो भाइयों प्लेटफॉर्म कुछ इस टाइप से इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। यह ट्रैक्टर आपको डुअल और सिंगल क्लच और डुअल क्लच दोनों में आपको मिलेगा, यह डुअल क्लच में ट्रैक्टर है। वह इसकी अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें भाइयों फुल्ली कॉन्स्टेंट मिक्स गियर बॉक्स है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है हॉलेज एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, बहुत ही अच्छा है। लाइट इसमें वही पुरानी टाइप से मिलेंगी, LED टाइप नहीं देते हैं, ये वही पुरानी वाली लाइट आपको देखने को मिलेंगी। वही अगर स्टेयरिंग की बात की जाए तो स्टेयरिंग काफ़ी छोटा और आरामदायक मिलेगा आपको। वही ये हैंड रेस है जो कि जस्ट स्टेयरिंग के पास में मिलेगी। सीट इसकी आपको एडजस्टेबल मिलेगी, आप एडजस्ट कर सकते हो कहीं पे भी उस लीवर से, सीट आप 35 HP के ट्रैक्टर में इसी टाइप से मिलेगी। भाई जो इस ट्रैक्टर में मिडगार्ड के ऊपर जो हैंडल लगे रहते हैं वो इस ट्रैक्टर में नहीं देखने को मिलेंगे, या 35 HP के ट्रैक्टर में वो हैंडल नहीं देते हैं, वो सपोर्ट जब छाता लगेगा उसी से सपोर्ट आप ले सकते हैं। बाकी अन्य ट्रैक्टरों में जो 50 HP का देख सकते हैं उसमें लगे हुए हैं, बाकी 35 HP में ये हैंडल नहीं लगा हुआ है। वहीं इसके अगर हाइड्रोलिक
कि लीवर की बात करें जाए पीसी और डीसी लीवर की, तो इस टाइप से आपको पीसी और डीसी लीवर आपको देखने को मिलेगा। ये पोजीशन कंट्रोल और ये इधर वाला ड्राफ्ट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। बैटरी इसमें दाहिने की तरफ की सॉरी बाएं तरफ आपको बैटरी ट्रैक्टर के बाएं तरफ रखी हुई मिलेगी, जो कि काफ़ी सेफ्टी के साथ बॉक्स है देखने को मिलेगा। वही इस ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक पंप जो है वो आगे की तरफ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक पंप है, ये आगे की तरफ आपको रखा हुआ मिलेगा। भाइयों इसके फ्यूल टैंक की बात करें अगर, तो आपको जस्ट ये देख सकते हैं फ्यूल टैंक या 50 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलेगा, जो कि 35 एचपी के ट्रैक्टर में यह काफ़ी फ्यूल टैंक है, 50 लीटर होना चाहिए मिनिमम। वहीं इसके हम गियर बॉक्स की बात करें तो 8+2 इसमें आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं चार हाई चार लो के प्लस एक हाई और एक लो का रिवर्स में। इस ट्रैक्टर में भाइयों अगर हम अब बात करते हैं पिछले एक्सल के बाद, पिछला एक्सल पुराने के बजाय आप काफ़ी चेंज कर दिया गया, थोड़ा चेंजिंग लाया गया है, या डायरेक्ट एक्सल जिसे बोलते हैं इस टाइप से आपको मिलेगा। यह 1810 इंजन आरपीएम पे 540 इसका पीटीओ 6 स्पाइन वाला आपको देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ लाइव पीटीओ आपको देखने को मिलेगा और कोई पीटीओ इस ट्रैक्टर 35 एचपी में नहीं आता है। वहीं अगर हिच की बात करें तो ट्राली आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, या कंपनी फिटेड हिच साथ ही में आती है। वहीं अगर लिंक लेवल की बात की जाए तो इसके एक तरफ लिंक लेवल आपको मिलेगा, दोनों तरफ नहीं मिलेंगे। जो चैन है जो चैन वाले नहीं है, इस टाइप से आपको जो सेटिंग करने को इसमें मिलेंगी। वहीं अगर ट्रिपल ट्रॉली की बात की जाए जिसको किट बोलते हैं ट्रॉली पाइप किट, तो एक ही किट आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी। अगर दूसरी लगवाएं तो इसके लिए ये होल वो किया गया है, आप यहाँ पर लगवा सकते हैं दूसरा। या इसका टूल बॉक्स किट जस्ट बेडगार्ड के नीचे आपको रखा हुआ मिलेगा, प्लस 5 साल की वारंटी के साथ यह ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। या बैक लाइट इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, एलईडी लाइट नहीं है, और यह एक हैलोजन लाइट के साथ यह ट्रैक्टर आपको मिलेगा। भाइयों अगर इसके ट्रैक्टर के पीटीओ एचपी की बात करें तो 32.6 इसका पीटीओ एचपी है, जो कि काफ़ी सही है ट्रैक्टर में। वहीं अगर इस ट्रैक्टर की फॉरवर्ड स्पीड की बात करें, मतलब आगे की स्पीड 36.3 किलोमीटर पर आवर, जो कि यह कंपनी द्वारा स्पीड दी गई है। वहीं रिवर्स बाइक में स्पीड इसकी 13.4 किलोमीटर पर आवर है, वही काफ़ी है। ट्रैक्टर का अगर टोटल वजन की बात करें तो 1895 किलोग्राम टोटल वेट है, मतलब कि 19 कुंटल 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का इसका वजन है। वहीं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 377 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसका टर्निंग रेडियस ब्रेक के साथ, मतलब कितनी दूरी में यह ट्रैक्टर घूम जाता है, तो यह ट्रैक्टर आपको 3000 mm में ट्रैक्टर घूम, जो कि काफ़ी अच्छा है, 3000 mm में जगह में यह ट्रैक्टर घूम जाएगा, प्लस ये ब्रेक के साथ में बता रहा हूँ आपको। और भी अगर भाइयों कोई जानकारी है तो आप कमेंट में बताएं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। धन्यवाद।